दार्जिलिंग घूमना है, पूरा पूरा देश घूमना है। मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली। बारिश ने पूरा भीगा दिया गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट डे। सो ना गाइस, पिछली बार का दो तीन वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया, मतलब यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। सो टुडे आई एम गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। सो देखते हैं आज का मतलब सफ़र कैसा होता है। ना गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड अच्छे से नींद भी नहीं हो रहा है। एडिटिंग वेडिटिंग करते करते फिर ये सब यू नो वीडियोस मैनेज करते करते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जा रहा है। और ना गाइस, अभी देखो सुबह सुबह नहा के आया और फिर अभी बाहर निकलते ही पसीना निकलना शुरू। तो गाइस, ऐसे तपती गर्मी में अभी राइड करके जाना है पूरा लोडेड बाइक लेके। चलो गाइस, अभी मेहनत तो जारी है, अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है ना। ओम माने पद्मे हूँ, ओम माने पद्मे हूँ, जय बजरंगबली, जय बोले शंभू, गणपति भक्तो मौर्य। तो चलो आज का सफ़र अच्छा रहे, सेफली मैं दिल्ली तक पहुँचूँ। तो लेट्स मूव गाइस, अभी सुबह सुबह तपती धूप में निकलता हुआ आपका भाई। धूप भी इतना ज़्यादा है ना, कहा बताऊँ भैया, हम का बताई भैया, हमरा हाल का है। अरे निकले थे हम दार्जिलिंग से लद्दाख, लखनऊ में रुक गया है। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, और सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे गड्डी छोड़ आया। बाय बाय लखनऊ, आई लव यू, और फिर मिलेंगे, फिर कभी आएंगे लखनऊ और अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे, मस्ती करेंगे। इस बार तो ऐसा ही हुआ। गाइस, आज तो हम पहुंच जाएंगे अपना राजधानी, अपने देश की राजधानी, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। एज अ राइडर ना, सुबह ना बहुत ज़्यादा काम होता है, सुबह राइड पे निकलना होता है, फिर सामान वामान लोड करना होता है, फिर यू नो चेन लूप करना, फिर बाइक का कंडीशन कैसा है वो सब चेक करके निकलना होता है। सो अगर आप लोगों को मान लो पकड़ लो, अगर आप लोगों को 7 बजे निकलना है तो आप लोग ऐसे 5 बजे 4-5 बजे उठ के मतलब रेडी करना होगा, क्योंकि इतना टाइम लगता है मतलब बाइक को लोड करना, फिर सामान मिलाना और यू नो बाइक चेक करना, फिर ल्यूब व्यूब करना, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है गाइस सच में। और ऊपर से अगर आप ब्लॉगर हो तब तो गाइस डबल टाइम, क्योंकि उसको शूट करना होता है, फिर वो करना होता है, ये करना होता है ना गाइस। इसलिए मैंने गाइस मैं सुबह का सीन नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा झंझट होता है, राइड कर करके इतना ज़्यादा थकते हैं, फिर ये सब झंझट फिर और एक्स्ट्रा ऐड करने का मन नहीं करता है ना गाइस। दार्जिलिंग टू लखनऊ तक का जो सफ़र था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना गाइस। हम लोग बहुत जल्द धूम मचाएंगे, अभी तो लद्दाख है सपना, और फिर जो अपना लाइफ का सपना है वो भी हम अचीव कर लेंगे बहुत जल्द। आप लोगों का जस्ट प्यार सपोर्ट बनाए रखना गाइस, दुआओं में याद रखना। यूपी पुलिस जा रहे हैं बाइक लेके। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली? हाँ जी। एक्सप्रेस भी पकड़ोगे? हाँ हाँ, एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस। हाँ तो आप अभी हमारे साथ चलिए, आगे से बता देंगे, हम आपको आगे बता देते हैं। ओके, उधर से सीधे एक्सप्रेस आपको मिलेगा। थैंक यू सर। आ रहे हैं भैया दार्जिलिंग? बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पुलिस वालों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है सच में यार, एंड आई रिस्पेक्ट हमारे इंडिया के पुलिस, भी स्टेट का हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, जही कहीं का भी पुलिस हो, पुलिस वालों को भी ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि देश के कोने कोने में वो भी अपना ड्यूटी करते हैं, अपने देश के लिए लोगों को हेल्प करते हैं। तो चलो गाइस, पारा थाना मिलेगा, पारा थाना, हाँ रास्ता छोड़ देना, फिर मिलेंगे। हाँ थैंक यू, थैंक यू सर। एंड ये होता है गाइस बात करने का तरीका, कोई कोई पुलिस वाले तो ऐसे होता है ना, मतलब वो करते हैं, फिर एकदम से वो हो जाता है ना। अच्छे से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा सबको, है ना। सुबह सुबह मैंने खाना भी नहीं खाया था, आज तो खाना खा के निकलना है, क्योंकि मैं जो अभी रास्ते से गुजरूंगा वो है यमुना एक्सप्रेस हाईवे। तो ये मतलब इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। तो गाइस दिल्ली यहाँ से 507 किलोमीटर दिखा रहे हैं। चलो गाइस ऑटो वाला को पूछते हैं, भैया पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? पेट्रोल पंप हाँ आगे, हाँ ठीक है, थैंक यू। सो गाइस भैया ने बताया कि 3 किलोमीटर आगे चले जाओ, थैंक यू भैया।
गाइस यहीं पर बोर्ड में लिखा था देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। सॉरी गाइस मैंने यमुना एक्सप्रेस बोला था, लेकिन सबसे लंबा एक्सप्रेस जो है हमारा इंडिया का वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, जो कि मैं अभी उसी एक्सप्रेस से गुजरने वाला हूँ। सो पेट्रोल पंप पूछना पड़ेगा। ओ भाई गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग सर। सुनो ना वो पेट्रोल पंप कहाँ है वो देखिए यार। ओ थैंक यू, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ठीक है भाई। हाँ नहीं मीटियर मीटियर लखनऊ का पेट्रोल चखवाते हैं हमारे बम्बलबी को। ये आज का हमारा पहला फ्यूल अप होने वाले है। भैया मेरा फुल टैंक कर देना। ओके गाइस लखनऊ में 96 है, चलो फुल टैंक। हाँ आज ना आधे नींद में उठ गया, फिर सुबह से चाय भी नहीं पिया हो, तो आज लखनऊ का स्पेशल चाय पी के फिर दिल्ली रवाना होते हैं। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो बोलो यार। हाँ जी ऐसा सही है ना। सो गाइस अपना बम्बलबी को तो फुल पेट पेट्रोल पिला दिया, अभी हम भी अपना चाय पी लेते हैं, ये लखनऊ का स्पेशल चाय। आपका नाम क्या है भैया? शिवम। शिवम भाई का आज का स्पेशल चाय पी रहेगा लखनऊ में। क्या चाय बना भाई ने? घूमना है पूरा पूरा देश घूमना है, देश देश पूरा घूमना है। और भाई अभी शिवम भाई के साथ बातें करते करते चाय भी पी रहा हूँ। ओ अभी 6 महीने की बेटी है, ठीक है बेटी को अच्छे से पढ़ाना, ठीक है बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। एक दिन आपका वही बेटी आपको फिर अच्छे से रहेगा, अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। शुभ नाम क्या है आपका? नाम राजू। राजू सो गाइस राजू जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन भैया के साथ। अभी यहाँ पर मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, लखनऊ का स्पेशल नारियल पानी। मेरा तो लद्दाख तक है। यहाँ से? नहीं मैं तो दार्जिलिंग से आया। वो भाई देखते ना मेरा ब्लॉग, दार्जिलिंग ब्लॉगिंग चैनल लगे आपका। हाँ हवा अच्छा है यहाँ का, क्या सुकून मिला इतने गर्मी में, थोड़ा ठंडी हवा मिला आज तो। वाह भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे स्टार्ट होते हैं। गाइस यहाँ से आगरा 316 किलोमीटर। चलो देखो गाइस कितनी बड़ी हाईवे एक्सप्रेस, 1, 2, 3, 4 लाइन है यहाँ पर, और उस साइड में भी 4 लाइन। ये रास्ता देखो कितना दूर दूर तक नज़र आ रहा है, मतलब इतना स्ट्रेट है देखो। यहाँ से भी खींच लेता हूँ। इतनी बड़ा टोल गेट है एंड बहुत ही अच्छा भी है। चलो हाँ यहाँ पर पेमेंट करना है तो पता नहीं कितना करना है, आपको बताएंगे। लद्दाख सॉरी 330। यहाँ से आगे पेट्रोल पंप बहुत दूर में मिलेगा, लगभग 90-100 कुछ बोला, 78। कितना किलोमीटर आगे है पेट्रोल पंप? 70 किलोमीटर। 227 के हाईवे इतना लंबा है ना, इतना लंबा है का ही बताओ भैया। मतलब ये यहाँ पर ना देखने के सेम चीज़ देख, पेड़ देखेंगे, रोड देखेंगे, ऐसे खुला सड़क देखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। और फिर आपको ऐसे चलाते चलाते नींद भी आएगा, बहुत मतलब बोरिंग सा फील होगा। फुल फिफ्थ गियर में फुल थ्रॉटल में हूँ, फुल एक्सीलेटर मार के चल रहा हूँ। और इसका जो स्पीड लिमिट है ना 120 तक ही है, यहाँ से स्पीड नहीं जाता है ये। मतलब मैंने बहुत कोशिश किया 120, 121, 122 तक जाते हैं, उसके बाद मीटर रुक जाते हैं। यहाँ पर होगा शायद पेट्रोल पंप, पता नहीं। सो गाइस अभी ना गाड़ी चलाते चलाते इतना बोरिंग हो गया हो, मतलब चले जा रहे आया भैया मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जा रहा है आगरा। हाँ यहीं से जाना है ना, ये नीचे कहाँ जाता है? पेट्रोल पंप है, फिर वापस यहाँ आना, आगे से फिर इधर ज्वाइन होता है। हाँ ठीक है चलो भाई, इतना लंबा गाड़ी लेके जा रहे भाई साहब, देखो इतने बड़े बड़े गाड़ी। ओ भाई कैसे चलाते हैं ये लोग,
और उन्होंने बोला कि नीचे पेट्रोल पंप भी है, खाना पीना जो खा सकते हैं वहाँ पर खा सकते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं अभी। खाने पीने का जगह है एंड पेट्रोल पंप भी मिलेगा। यहाँ पर थोड़े देर रुका है, मैं अभी अभी अंदर जाके भी आ गया हूँ। वहाँ पर एक्चुअली गाइस मुझे खाने का मन ही नहीं किया, तो जस्ट मैंने जूस पिया, एक बोतल जूस पिया, फिर अभी निकल गया। गर्मी गाइस मतलब आँख ऐसे खुल नहीं सकती, इतना ज़्यादा गर्मी है ना भाई, क्या बताऊँ। अभी देखो चलना है वापस, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर पेट्रोल लगाते हैं फिर चलते हैं। क्या हुआ सरदार जी, क्या हुआ जी? ओ सब ठीक है। आप लोग किधर जा रहे हैं अभी? मथुरा जा रहे हैं। मथुरा? नहीं, हम तो लखनऊ से आए। ओ लखनऊ से आए, ठीक है सर, ठीक है सर, जय हिंद, चलते। पंजाब आर्मी, पंजाब जी पुत्र है, उनका गड्डी ख़राब हो गई जी सरदार जी का, तो मैंने हवा पूछ लिया जी, हवा पूछने में क्या जाता है जी। तो चलो पाजी, अभी इतने गर्मी में लस्सी वस्सी पी लिया वो भाई, पराठे वराठे भी खा ली, अभी लखनऊ तो दिल्ली चलते हैं जी। ओए बल्ले बल्ले, ओए तड़क तड़क दन तड़क तड़क दन तड़क तड़क दन तारारा, तड़क तड़क दन तड़क तड़क दन तड़क तड़क दन तारारा। सच में यार नींद आ रहा है इतना। ओ भाई, सो गाइस अगर आप ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है, यमुना एक्सप्रेस बाइक या फिर गाड़ी लेके आ रहे हो, मतलब पूरी नींद करके आना रात भर, नहीं तो आप यहीं पर नींद में पड़ सकते भाई। तो गाइस ये देखो थार हाईवे में कितना मस्त लग रहा है ना, एंड ये देख के मुझे अपना गुरास का याद आया गाइस, आई मिस यू गुरास। गाइस अभी फ्यूल घटता घटता जा रहा है, तीन घाट दिखा रहे हैं, हाफ टंकी से भी कम हो गया, एंड यहाँ पर पेट्रोल पम्प नहीं मिल रहा है। पर ना राइड करते करते बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो थोड़ा बहुत ब्रेक लिया हूँ। ये देखो रेड बुल पी रहा हूँ, रेड बुल भी मैंने बैग में रखा था, गर्म हो गए, गर्म आए गर्मी। यहाँ पर लोकल्स मिल गए, यहाँ का गांव का नाम क्या है? खड़गपुर। तो बस खड़गपुर में ब्रेक लिया था, तो लोग भैया लोग जा रहे हैं मथुरा और हम जा रहे हैं दिल्ली। चिंगम खाना है? चिंगम कैसे? चिंगम है बलगम। हेलो, ठंडे में मतलब गर्मी में अच्छा है? हेलो ले लो, आप भी ले लो चिंगम। चिंगम कभी नचता है, नाचना गाना सेहत के लिए अच्छा होता है, दिल खुश रहता है, कभी भी मौका मिले तो डांस करो। आप और बोलो तो मैं डांस करता हूँ। सो गाइस अभी हम यहाँ पे है ना दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लखनऊ टू दिल्ली, और बीच में ये जो हाईवे बहुत ही लंबा है, इतना लंबा है कि मतलब चलाते चलाते मेरे तो नींद आ गए। गाना गाए हमें निकला गड्डी लेके सड़क पर, एक मोड़ आया मैं उठे गड्डी छोड़ आया। लेकिन गाइस क्या करूं, ये यहाँ पर तो गड्डी लेके सड़क पे निकला लेकिन मोड़ नहीं है, सीधा है। चलो मिलते अभी कहीं दूर, बाय। ठीक है भाई लोग मिलते हैं, हाँ जय राम जी की, चलते चलो। यही अपना गांव है, खाना पीना खा लो गांव में। नहीं यार फिर कभी खाएंगे, ठीक है, शुक्रिया बहुत आपने इनवाइट किया, कभी आऊँगा यहाँ पर खाऊंगा, ठीक है। बंद कर ले ये चैन, किसी बंद करो, किसी के शादी में बुलाना। हाँ बुलाएंगे, आपके गांव में शादी होगा ना, हमें बुलाना, मैं आके डांस करूँगा। डांस अच्छे कितने नेपाल के लोग, हम बहुत रही नेपाल लोग, 18 साल नौकरी करी हरियाणा। फाइनली गाइस यहाँ पर बोर्ड दिखाई दिया, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर गाइस, नीचे में सेम वही जैसा जगह है। ओह भाई एग्जैक्टली भैया फुल टैंकी कराना, 32 डाल, इसमें 32 डालना, 32 करें, कितना है इसमें पहले चेक करो ना कितना है। फिर से हाईवे में आ गए हैं एक्सप्रेस में, और अभी फाइनली बम्बल बी को भी राहत मिला और मुझे भी शांति मिला, क्योंकि फुल टैंक फिर से हो गया। फिर सो ये पिछली बार का पिछला टोल का पर्ची हो गया, ओके। जो सेकेंड टोल है इसमें मैंने पैसे नहीं दिए, क्योंकि जो पहला टोल है ना शायद उसी में उन्होंने काट लिया था, तो उस टाइम कितना काटा, 390 समथिंग ऐसा कुछ काटा उन्होंने, और ये अभी बिल चेक किया फिर मुझे छोड़ दिया। सो गाइस ये है अपना नेक्स्ट टोल प्लाजा। सो गाइस यहाँ पर पिछली बार का स्लिप काम नहीं आया, 205 रुपये देना है।
205 रुपए। यहाँ पर फूड जोन है, तो यहाँ पर क्या है, लस्सी एंड जूस, जूस पी रहा हूँ अभी। हाँ, क्या सुकून मिला गाइस इसमें यार, सभी जूस वूस पी के थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। यहाँ पर हो रही है बारिश, देखो। सो गाइस अभी बारिश शुरू हो गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, अनएक्सपेक्टेड बारिश शुरू, बारिश हो रही है। एंड मैंने लगेज में और ये टैंक बैग में तो वो रेन कवर लगा दिया, लेकिन मैंने नहीं पहना है क्योंकि ना गाइस ऑलरेडी इतना गर्मी था, हल्का सा पानी की वजह से अभी शीतल हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो मैंने ये जैकेट भी खोल दी। एंड रेनकोट मैंने ये देखो रेनकोट यहाँ पर रेडी रखा हूँ, जब हैवी बारिश होगा तब मैं पहनूँगा, अभी हल्का सा बारिश है। और यहाँ से अभी नोएडा 60 समथिंग किलोमीटर है, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं नोएडा, उसके बाद दिल्ली। और गाइस यहाँ पर देखो फिर से बारिश शुरू। ओ भाई यहाँ तो हैवी बारिश है रे बाबा, भयंकर बारिश है यहाँ तो, रुकना पड़ेगा। शिट मैन, बारिश हो गया, अभी दिल्ली पहुँचा भी नहीं और बारिश ने पूरा भीगा दिया गाइस। ये निकाला था फिर से लगा दिया और बाइक एकदम खींचा के थोड़ा बहुत भीग गए, पूरा ये सैडल बैग भी थोड़ा भीगा, हेलमेट एंड गोप्रो पूरा का पूरा भीगा है मेरा, ठीक है मेरे को पहनना था गाइस देखो, और एक बार का जगह भी पहनूंगा। एंड यहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल के भाई क्या है अपना सौरभ भाई मिला है, एंड अभी हम कौन सी जगह पे, यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे है, और ग्रेटर नोएडा पे है, और आपको ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के बाद दिल्ली आ जाएगा। ओके, यहाँ से अभी 60 किलोमीटर के बाद दिल्ली आ जाएगा। एंड अभी बारिश ऐसा है गाइस, तो भाई भी उधर साइड ही जा रहे हैं, हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो गाइस भाई अभी शुभम भाई मुझे वहाँ तक छोड़ देगा, बाइक का कुछ कुछ काम भी होते हैं, तो चलो देखते हैं अभी। और ये भाई का बाइक R15 देखो, चलो मस्त है। दिल्ली ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर है, एंड शुभम भाई हमें लीड करता हुआ जा रहा है। दार्जिलिंग में भी बारिश में भीग के हैरान होके आया, और अभी दिल्ली पहुँचने वाले हैं, दिल्ली में भी ये हाल है गाइस। सो गाइस लगता है कि तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब से यहाँ पर आए ना ठंडे पानी और वही पी रहे हैं, मतलब ठंडे जूस ठंडे पानी, एसी में रहना फिर ना सुबह ठंडे पानी से, ऐसा ही चलता आ रहा है बेचारा। ये भैया का हालत देखो, मेरा भी ऐसा ही हालत है गाइस, मेरे भाई सेम हालत में है रे बाबा। अरे भाई यहाँ तो बारिश ही नहीं है देखो, ओ गाइस सिर्फ नोएडा में बारिश होगा शायद। कसरी चिन्नु भयो, होइन बाइक हेरेर चिन्नु भयो, हजुर हजुर। तपाईँ यता दिल्लीमै, दार्जिलिङ ओ नेपाल। सो गाइस भैयाजी नेपाल छ और हमारे सब्सक्राइबर दिल्लीमै मिल गए गाइस, नाइस मिटिङ यु दिल्ली। सो गाइस दिल्ली पहुँच गए दिल्ली, ओ माई गॉड, दार्जिलिंग टू दिल्ली बाइक पे पहुँच गए, अपना भाई आपका भाई अकेले पहुँच गए यार, वेलकम टू इंडिया, दिल वालों का शहर दिल्ली पहुँच गए गाइस, ओ माई गॉड आई कैंट बिलीव इट, सच में यार आपको भाई राजधानी पहुँच गए बाइक लेके दार्जिलिंग से, या भाई अभी मैं इंडिया गेट के तरफ जा रहा हूँ गाइस, और इतनी खुशी, मतलब दिल के अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब क्या बताऊँ भाई, जो मेहनत की आप लोगों को पता है, मतलब इन 3-4 दिनों में क्या क्या मैंने झेला, कैसे कैसे परेशान हुआ, और वो तो सिर्फ ब्लॉग में ही दिखाया, बिहाइंड द सीन और भी ज़्यादा मतलब क्या कुछ नहीं हुआ गाइस। और गाइस अभी पहुँच गए दिल्ली, बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा। सो थैंक्स टू शुभम भाई ऑल्सो, जो मुझे अभी लीड कर रहे हैं, मतलब दिल्ली के गलियों में ले जा रहे हैं। गाइस आप सब लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब हम लोग पहुंच गए दिल्ली, मैं पहुंचा और आप लोग पहुँचाए कि है ना, मैंने पूरा दर्शन ब्लॉग्स फैमिली का 1,03,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब पहुंच गए दिल्ली। टनल के अंदर पता नहीं कौन सा वाला टनल है, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया टनल,
ये देखो कितना अच्छा टनल है, पूरा पेंटिंग और पूरा इंडियन कल्चर से यू नो डेकोरेट किया हुआ है। ये टनल के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है ना, और भाई गर्मी ना इतना है यहाँ पर, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हेलमेट निकालना चाहता हूँ लेकिन नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक में ऐसे बाइक रोक नहीं सकते ना, बहुत ज़्यादा वो सफोकेशन जैसा हो रहा है यहाँ पर। ओ भाई साहब देखो इतना ज़्यादा गाड़ियाँ है, पता नहीं ये टनल ये टनल भी कितना लंबा है भाई। ओ भाई साहब टनल के बाहर निकल के बहुत ही अच्छा लगा, मरने वाला था भाई मैं सच में। ओ भाई पसीना पसीना हो गया या। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर कनॉट सर्कल के सिग्नल में रुका हुआ हूँ, एंड वो भाई पता नहीं कहाँ चला गया, शिवम भाई क्या के था पता नहीं कहाँ चला गया, गुम हो गया शायद भाई, बाद में आ भी सकता है। दिल्ली के सनसेट देख लो, अभी सनसेट के टाइम में पहुँच गए दिल्ली, और अभी कनॉट सर्कल के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा हूँ मैं आवारा की तरह। ओ भाई साहब देखो भाई बजरंग बली का दर्शन हो गया दिल्ली में, जय हो बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान की जय। कितना बड़ा है भाई देखो, ओ वाह